ये रही वो लम्बू बिल्डिंग। अब किसी ने मेरा लाइव को लाइक किया है, थैंक यू जिसने भी किया। अब हम करेंगे रोड क्रॉस। ओए मैं तो आए, ये लंबू बिल्डिंग ही मेरा घर है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा था इसके बगल वाला बिल्डिंग, नहीं यही वाला, इसी बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं। अरे मेरा जजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे को उधर से लगा कि इसके बगल वाला शायद, इसके बाद वाला, लेकिन नहीं, इसी में हम लोग रहते हैं। ये देखो मेरा बेटा कहाँ रहता है। पीछे यही रहता है मेरा बेटा। यहाँ पे रोड क्रॉस करना थोड़ा सा ध्यान से। ये है, मैंने बोला था ना थाईलैंड एम्बेसी दिखाऊंगी। ये रही इसका, ये गेट शायद अंदर जाने का, वो ब्लू वाला जो गेट है। बस चलो हम लोग रोड क्रॉस कर ले, उसके बाद दिखाऊंगी। चलिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रुक जाते हैं अगर कोई रोड क्रॉस करना हो तो। अभी पता नहीं इन लोगों को बहुत जल्दी होगा, तभी कोई रुक नहीं रहा। कोई एक रुक जाएगा ना तो उसके पीछे पीछे सारे रुक जाएंगे। इधर चलो छोटे, इधर चलो, इधर चलो, चलो 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 चलो। हाँ ये हम लोग, ये देखिए, ये मैं इधर से जाऊँ, मेरा बेटा उधर से गया। ये देखिए मैं अभी यहाँ पे, ये इसका फोर्थ फ्लोर में हम लोग रहते हैं, इसका ऊपर ऊपर नहीं रहते, हम लोग फोर्थ फ्लोर में रहते हैं। और इधर से ये एंट्री, ठीक है। और ये मैंने बोला था ना कि थाई एम्बेसी दिखाऊंगी, ये है थाईलैंड, थाईलैंड एम्बेसी। ये इसका ब्लू वाला गेट मैं दिखाती हूँ, ये कौन सा गाड़ी आके खड़ा हो गया। ये एकदम ये है थाईलैंड एम्बेसी। और ये रही मेरा घर फोर्थ फ्लोर में, मेरा बेटा गया। चलो एक बार अब चलते हैं, अब भूख लगी है। आज क्योंकि ट्यूसडे है तो आज मैंने बनाया दाल चावल, आलू का चोखा, बैगन का चोखा, और बेटे के लिए मैं एक फिश फ्राई करके दूंगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। चलो मैं नीचे अभी आऊंगी, खाना खाने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगी, मेरे से नहीं, अब मैं नहीं रहूंगी। मैं क्योंकि ना जिस दिन हम लोग आए थे, मैं तो रात हो गया था पहुंचते हुए, तो उस दिन तो अंधेरे में निकले थे, ट्विन टावर गए थे देखने के लिए, तो मेरे को पता नहीं लगा था। कल पूरा दिन मैं घर साफ़ किया, पूरा सामान अरेंज किया, घर पूरा साफ़ था बट फिर भी थोड़ा बहुत अरेंज नहीं था, तो वो सब मैंने कर दिया, किचन को एकदम चकाचक कर दिया। और मस्त खाना बनाया कल, फिश करी चावल, तो हम लोगों ने, माँ बेटे दोनों ने मस्ती से खाए। उसके बाद रात को हम लोग काफ़ी रात तक जगे रहे, मेरे को ना यहाँ पर नींद नहीं आ रहा। बेटा कह रहा है वहाँ पे 2.5-3 घंटे का फ़र्क है, तो उस हिसाब से नींद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, जो भी है। कल रात को वो भी बहुत रात सोया है, मैं भी बहुत रात करके सोई हूँ। सुबह उठ के मैंने फिर खाना बना लिया, घर भर साफ कर लिया, नहा लिया। आज मैंने भगवान को रखा, इसके पास भगवान जी नहीं थे, तो भगवान मैं इंडिया से लेके आई थी, और पूजा का सारा सामान लेके आई हूँ, और यहाँ पे अच्छे से बिछाया। मैं दिखाऊँगी सब कुछ, दिखाऊँगी घर पर, इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। अभी के लिए बाय। किसी ने हाय लिखा है, हेलो किसने लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम जो भी हो, मेरी तरफ से नमस्ते।